एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसके बारे में चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा है, और आप देखते होंगे कि हमारी ईडी जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गई है, उसको देश भर में विपक्ष के किसी भी नेता के बारे में सपने में भी कुछ ख्याल आ जाए तो उसके ऊपर छापा मार देती है। कभी सत्येन जैन के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, अभी हाल का मामला आपने देखा होगा संजय रावत जी के ऊपर, और पूरी महाराष्ट्र की सरकार गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की किडनैपिंग गैंग के साथ अगर किसी ने निभाया तो ईडी ने निभाया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी विदेशों में बैठे, ईडी कुछ नहीं करती। ललित मोदी 2700-2800 करोड़ रुपए लूट कर बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। और मैं जो ये मामला बताने जा रहा हूँ, ये कुछ जगह अखबारों में तो आया, बाकी बहुत ज्यादा मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई। DHFL नाम की दीवान हाउसिंग फंड फाइनेंस लिमिटेड, इस संस्था ने 34,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया। बैंक ऑफ बड़ौदा से 1959 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया से 4,750 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1,170 करोड़ रुपए, केनरा बैंक से 5,650 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1,034 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक से 300 करोड़ रुपए, HDFC से 350 करोड़ रुपए, IDBI से 1,806 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक से 2,150 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक से 920 करोड़ रुपए, कर्नाटका बैंक से 200 करोड़ रुपए, पंजाब एंड सिंध बैंक से 1,385 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 3,802 करोड़ रुपए, साउथ इंडियन बैंक से 332 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 9,898 करोड़ रुपए, यूको बैंक से 500 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक से 6,662 करोड़ रुपए। ये करीब करीब टोटल अगर आप देखेंगे तो 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला है अलग अलग बैंकों से। हिंदुस्तान की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला DHFL ने किया। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, कर्मचारी का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, मीडिया में काम करने वाले पत्रकार का पैसा, ये जितने बैंक मैंने नाम लिए इन सब में आपका पैसा जमा होगा। हमको आपको नफरत का जहर देकर भारतीय जनता पार्टी लूट करवा रही है, भ्रष्टाचार करवा रही है, बैंक से आपके पैसे खाली करवा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये DHFL जिसने इतना बड़ा घोटाला किया, 42,000 करोड़ रुपए का बैंक का घोटाला किया, इस DHFL ने किसी और पार्टी को नहीं, देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 27 करोड़ रुपए चंदा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ईडी किस बिल में छिपी हुई है? ईडी कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रही है? ईडी जो छोटे छोटे मामलों में सक्रिय हो जाती है, वो ईडी धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांध कर क्यों बैठी हुई है? तो इसलिए मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ, जागिए, यह आपकी लूट है, आपके साथ की गई लूट है, यह आपका बैंक में जमा किया गया पैसा खाली किया गया है, तो ये आपके साथ जो लूट की गई है उसके लिए जाग जाइए और इस सरकार को जगाइए। कहां छिपी है ईडी, कहां छिपी है CBI, कहां छिपी है पुलिस? क्यों नहीं DHFL से पूछताछ होती? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ की जाती कि ये 27 करोड़ रुपए का चंदा 42,000 करोड़ की लूट करने वालों से भारतीय जनता पार्टी ने कब और कैसे लिया और उनकी क्या क्या मदद